के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इस बार कैफे पहुंच चुका है वीर। जी हाँ, उसी कैफे में जहाँ पर बुलबुल और अविनाश मिले थे। अब यहाँ पर भाई बुलबुल और वर्णिका काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर वीर जो है उसको कैफे में पहुंच चुका है और इस बार वो सीसीटीवी फुटेज देखेगा। और यहाँ पर वर्णिका और बुलबुल काफी टेंशन में, क्योंकि अगर वो सीसीटीवी देख लेता है तो उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी कि भाई इन सब में वर्णिका और बुलबुल भी इन्वॉल्व है। तो वहीं आगे आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर कैफे में पहुंच चुका है वीर। और आपको बता दें, ये है हैप्पी सिंह। हैप्पी सिंह जी को हमने राजस्थान पुलिस के रिकमेंडेशन पे बुलाया है। ये आपके सेल्फ डिफेंस के ट्रेनर है। हैप्पी सिंह रिपोर्टिंग है जी। हैप्पी सिंह की पैनी नजरों से ना कोई नहीं बच सकता। वो जी होना आएगा इस खेल में, मतलब है जी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई सीसीटीवी फुटेज जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जैसे वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है तो वो इतना ब्लर होता है कि समझ में नहीं आता कि कौन इंसान कहाँ पर है। और इसी बीच वीर जो है काफी गुस्सा भी होता है कैफे वालों पर। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर वो अविनाश की फोटो दिखाता है कैफे वाले को, कैफे के ओनर को। तो वो बताता है कि जी हाँ, ये तो हमारा रेगुलर कस्टमर है। और यहाँ पर वीर उससे पूछेगा कि भाई क्या ये किसी लड़की के साथ आया था। तो यहाँ पर वीर को पता चलेगा कि भाई लड़की तो आई थी और कहीं ना कहीं वो बुलबुल जैसी दिख। और आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ओनर को काफी अच्छे से याद नहीं होगा कि लड़की कैसी दिखती थी। और यहाँ पर वो कहेगा कि भाई कद काठी जो थी वो बुलबुल जैसी थी, लेकिन वो कैसे एग्जैक्टली दिखती थी वो मुझे याद नहीं है। तो वहीं आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई वीर जब अविनाश के घर जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसे वहां पर सेम वही पायल मिलती है जो पायल उसने बुलबुल को दी थी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई वो घर पहुंचता है और बुलबुल से वो पायल मांगता है। और यहाँ पर बुलबुल और वर्णिका की हालत तो बहुत खराब हो जाती है। उन्हें लगता है कि भाई अब तो हम पकड़े गए, वो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन यहाँ पर दोबारा से एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है जहां पर हम देखते हैं कि भाई यहां पर वीर को लग रहा है कि ठीक वैसे ही पायल उस लड़की ने पहनी थी जो अविनाश का मर्डर किया है जिसने। और यहां पर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अभी फिलहाल के लिए वीर को बुलबुल और वर्णिका पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है। और इस बार बुलबुल जो है उसी दुकान पर जाएगी जहां से वीर ने पायल लिया था। और इस बार बुलबुल मैडम जो है मैनिपुलेट करते हुए नजर आएंगी वीर को। तो आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वीर इस बार सारी सच्चाई को सामने ला पाएगा या नहीं।